अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की उन खास ट्रिक्स के बारे में जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती ही रहती हैं। जैसे हम पहली ट्रिक के बारे में बात कर लें, ट्रिक आ रही है वो ये है कि अगर आप किसी भी बंदे का स्टेटस सीन कर रहे हैं, सीन करने के दौरान आपने उस स्टेटस को पोज करना है या रोकना है। रोकने के लिए अक्सर तो आप थंब यूज़ करते हैं, अगर थंब नहीं तो ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक कर देते हैं, वो आपका स्टेटस जो है वो रुक जाता है। अगर इसी की जगह आप ये 3 उंगलियां एक बार अपनी स्क्रीन पे प्रेस कर दें तो आपका जो स्टेटस है वो होल्ड हो जाएगा उसी जगह पे। अब आप जितनी देर चाहें उतनी देर उसको होल्ड कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 हमारे पास ये आ रही है कि अगर आपने चेक करना है कि किसी बंदे ने मेरा नंबर सेव किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो किस नाम से सेव किया, चाहे वो आपका क्रश है या जो भी है, दिस दैट आप बोल सकते हैं। चेक किस तरह करना है, आपने एक न्यू ब्रॉडकास्ट क्रिएट करनी है, जिस बंदे को चेक करना है उसका नंबर सेव कर ऐड करना है, इसके अलावा किसी भी दूसरे बंदे का नंबर ऐड कर ले। अब एक मैसेज सेंड हेलो के अलावा क्या हो रहा है, कैसी है मतलब जी, और जब वो मैसेज उसको सेंड हो जाए, वो रिसीव कर ले, तो आपने उस मैसेज पे एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है तो अगर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कॉपी और इन्फो। इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो आओगे जिस बंदे को आपने नंबर सेंड किया है दोनों का नाम आ जाएगा। अगर तो उस बंदे ने आपका नंबर सेव किया हुआ तो उसका नाम लिखा आ जाएगा, अगर नहीं सेव किया तो फिर सॉरी, ट्राई कीजिएगा उसने आपका अभी तक नंबर सेव नहीं किया। तो ट्रिक नंबर 3 हमारे पास जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी है। अगर आप किसी भी बंदे से बात कर रहे हैं, किसी क्रश से बात चल रही थी आपकी बहुत देर पहले, साल हो गया करते को, यार मैसेज मैंने पहला कौन सा किया था कौन सा नहीं किया था, यही चेक करने के लिए अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपने मैसेज कौन सा किया था, वो भी 5 सेकंड में, तो आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। करने के बाद मोर पे आ जाना है, मोर पे आने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट चैट। एक्सपोर्ट चैट को करना है आपने विदाउट मीडिया, वो 1 से 2 सेकंड में आपकी जो फाइल है वो आ जाएगी, उसको आप दूसरे नंबर पर अपने सेंड कर लें, किसी दूसरे बंदे को सेंड करके देख लें। उस पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो आपको सबसे बॉटम पे ले जाएगा और आपको बता देगा कि आपने कब किस वक्त कितने बज के कितने सेकंड पे मैसेज किया था और कौन सा किया था, इजीली देख सकते हैं आप। अब जो नेक्स्ट कट, अब जो ट्रिक नंबर 4 हमारे पास आ रही है कि आपके पास अब स्पेस नहीं है मोबाइल फ़ोन में, आपने कोई भी गेम डाउनलोड करनी है कि इसके अलावा कुछ और मतलब डाटा वगैरह आपने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है। अब स्पेस शायद आपको मिल जाए, मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो करना आपने क्या होगा कि जो आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के बैकअप में जाके आप कुछ फाइल्स डिलीट कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी फाइल डिलीट करनी है, व्हाट्सएप हर रोज़ मतलब रात के वक्त किसी भी 1-2 बजे वो आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल डाटा लेता है, बैकअप लेने के बाद वो जो पुरानी फाइल्स होती हैं वो डिलीट कर देता है, लेकिन कुछ ना कुछ फाइल्स रह जाती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आज की है और कौन सी पुरानी, जो आज की डेट की फाइल बैकअप होके आई होगी उस पर आपकी आज की तारीख लिखी होगी, जैसे आज 26 तारीख है, 27 तारीख है, वो 27 की आपकी जो फाइल है वो आ जाएगी और बाकी जो 26 लेके 22 तक है वो आप डिलीट कर दें, तो इजीली आपकी 1 या 1.5 GB जो स्पेस है वो ईज़िली खाली हो जाएगी। ट्रिक नंबर 5 की बात कर लें कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना हो, आप इस पर एक बार प्रेस करें तो वो जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है। अगर कोई बंदा आपको पिक्चर सेंड करता है तो पिक्चर के नीचे जो लिखा होता है मतलब कुछ भी, कोई डेट बर्थ या किसी बंदे की हिस्ट्री लिखी है, अब उसको कॉपी किस तरह करना है कि आपने उस पिक्चर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद नीचे जो जितनी भी उसकी हिस्ट्री लिखी उस पर आपने एक बार प्रेस करना और वो जो आपका सारा डाटा है वो कॉपी हो जाएगा। ट्रिक काफ़ी आसान थी। लेकिन तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।